खान पान के ऊपर कि हमें हमारा दिनचर्या खान पान का कैसे रखना चाहिए जिससे कि हम स्वस्थ रह सकें, जिससे कि हम थोड़े से निरोग रह सकें और हमें कोई भी रोग छू ना पाए, हमें हमेशा रोग मुक्त रहे। जैसे कि आज के टाइम में हम लोग देखते हैं कि रोग बहुत ज़्यादा फैल गए, रोग बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, हर जगह हर कोई रोगी है ही है। तो रोगों से बचा ही कैसे जाए, वही ना ऐसा कैसे करें, अपनी दिनचर्या को देखें। सिंपल सा कि हम सुबह उठते हैं, सुबह कितने बजे उठते हैं, दिन में रहते हैं, रात में कितने बजे सोते हैं, सुबह दिन का शाम का रात का अपना फिर शेड्यूल सही तरीके से हम लोग सेट कर लें तो हम रोगों से बच सकते हैं। सुबह सुबह के समय में हम पहले तो देर से उठते हैं जो कि गलत है। अब देर से उठना ही अपने आप में बीमारी का कारण है। जो लोग सुबह 10 बजे उठते हैं, जो लोग सुबह 9 बजे उठते हैं, 8 बजे उठते हैं, वो स्वयं ही रोग को न्योता देते हैं। उठने का समय ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 5 बजे के बीच में, शौच जाने का समय सुबह 4 से 6 के बीच में ही, क्योंकि जो हमारी शक्ति होती है, जो हमारी प्राण वायु होती है, वो 4 से 6 के बीच में ही हमारी आंतों में होती है। उसी समय अगर आते साफ हुई तो साफ हुई, अन्यथा 6 बजे के बाद आते साफ नहीं होगी। Thank you.